पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे आतंकियों को कुचलने के लिए 2000 से अधिक जवानों वाली 2 BSF बटालियन को अब जम्मू भेजा जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद प्रभावित जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चरण में BSF की 2 बटालियन को जम्मू कश्मीर के रियासी, किश्तवाड़, कठुआ के इलाकों में भेजा जा रहा। कुछ दिनों बाद करीब 2000 जवानों वाली 2 बटालियन को जम्मू क्षेत्र में भेजा जाएगा। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाकर सरकार का उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं को रोकना है। दिल्ली और जम्मू में सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों की बैठक के बाद जम्मू में BSF की तैनाती बढ़ाने का ये फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, ऐसे में 2000 जवानों की वहां तैनाती से जरूर इसमें कमी आएगी और आतंकियों का सफाया करने में मदद भी मिलेगी। एक दिन पहले ही कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए, जिनमें एक मेजर रैंक के अधिकारी भी हैं। एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ पर भारतीय सेना की तरफ से बयान भी आया। सेना ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में माचिल सेक्टर स्थित कामकारी में फॉरवर्ड पोस्ट पर अज्ञात कर्मियों के साथ गोलीबारी हुई। सेना के मुताबिक इस गोलीबारी में एक पाकिस्तानी मारा गया, जबकि घायल जवानों को मौके से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। हालांकि इस तरह के कई हमले रोजाना देखने को भी मिल रहे। जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले जिस आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोकल नेटवर्क को सख्ती से खत्म कर दिया था, वो वापस से एक्टिवेट हो चुका है। पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, लेकिन हाल के हमलों के बाद जिन संदिग्धों को पकड़ा गया उससे पता चला कि अब उन आतंकियों को गांव में हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान मिल जा रहा है। बीते दिनों जिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ में उनसे कई बातें भी सामने निकल कर आई। ये नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। वहीं DGPRR स्वयं ने भी बताया कि जम्मू में 50 से 80 आतंकी छिपे हैं। ऐसे में अतिरिक्त जवानों की तैनाती जरूर इन आतंकियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा बल किस तरह से पाकिस्तान से आए इन आतंकियों और इनके मददगारों पर पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।